टीकमगढ़ जिले के उत्सव भवन में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले में पात्र हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवारों के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान करने के साथ ही राशन का वितरण भी शुरू किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाइव प्रसारण कर लोगों को योजना से संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक, जतारा विधायक टीकमगढ़ विधायक राजेश गिरी, जिला पंचायत अध्यक्ष पर्वत लाल, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी और हितग्राही मौजूद रहे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। पर्ची बांटी है हमारे टीकमगढ़ जिले में लगभग 60,000 राशन की पात्रता पर्ची बांटी जा रही है। हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य का दिन है, लगातार बोलते थे कि हमें राशन कार्ड की पात्रता पर्ची कब मिलेगी, हमें खाद्यान्न कब से मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सौगात दी। राशन कार्ड में क्या क्या मिलेगा? राशन कार्ड में 5 किलो राशन मिलेगा और दाल भी मिलेगी, नमक भी मिलेगा। पूरा भी आपके सामने हम लोगों ने बांटा है। अन्नोत्सव के अवसर पर आज टीकमगढ़ जिले के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है वो तो चलता रहेगा, और जैसा कि भारत सरकार के निर्देश है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक जो अलग डिलीवरी है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का है उसके अंतर्गत 5 किलो प्रति सदस्य, यानी किसी परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो अन्न का प्रावधान है, प्लस 1 किलो उसमें दाल है। कोई भी कालाबाजारी करता है उसको निश्चित रूप से हमने समस्त अपने जिला स्तरीय अधिकारियों के भी दल बना के लगाए हैं और जांच कर रहे हैं। वो जगह हमको शिकायतें भी नहीं है। आपको याद होगा कि 3 महीना कभी विगत 8-10 दिन में हम कर चुके हैं, और जैसे जैसे हमने जिला स्तरीय इसके बाद हम राजस्व से टीम बना के भी जाँच कर रहे हैं, और ये जाँच की कार्यवाही निरंतर तब तक रहेगी जब तक एक भी अगर हमको मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।